हिमाचल प्रदेश के मंडी लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद राम स्वरूप शर्मा की संदिग्ध मौत ने सबको चौंका दिया है। आपको बता दें कि शर्मा का शव आज दिल्ली स्थित उनके निवास में फंदे से लटका मिला है। सांसद का निवास आरएमएल अस्पताल के नज़दीक बने गोमती अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 214 में है। मौत के कारणों का फिलहाल अभी तक कुछ भी पता नहीं चला है। राम स्वरूप शर्मा की संदिग्ध मौत से पीएम मोदी ने अपना दुख जाहिर किया है और लिखा है, राम स्वरूप शर्मा एक समर्पित नेता थे जो हमेशा समस्याओं को हल करने के लिए प्रतिबद्ध थे। उन्होंने समाज की भलाई के लिए अथक प्रयास किए हैं और अचानक उनके दुर्भाग्यपूर्ण निधन से बहुत पीड़ा हुई है। इस दुख की घड़ी में मेरे विचार उनके परिवार और समर्थकों के साथ हैं। ओम शांति। आपको बता दें कि राम स्वरूप शर्मा के स्टाफ कर्मियों ने पुलिस को उनकी मौत की जानकारी दी थी। दिल्ली पुलिस के मुताबिक सांसद राम स्वरूप शर्मा का कमरा अंदर से बंद था और उन्होंने फांसी लगाई हुई थी। पुलिस के पहुंचने के बाद गेट तोड़ा गया। पुलिस ने यह भी बताया कि राम स्वरूप शर्मा को फांसी से उतार कर जब अस्पताल ले जाया गया तभी उसी समय पर उन्होंने दम तोड़ दिया था। अभी तक किसी सुसाइड नोट की बात सामने नहीं आई है और पुलिस कर्मी अपनी जांच पड़ताल जारी कर रहे हैं। स्पेशल न्यूज डेस्क, नवदीप टुडे, दिल्ली।